गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस या पंचायती राज की। पंचायती राज में कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई हैं, तो पंचायती राज को लागू किया गया है इंडिया में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइज, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके एंड देखिए, लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि वो किस तरह प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाएं, जिससे वह अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सके। इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। गांव में व्यापक समस्याओं को केवल केंद्रीय स्तर पर बैठकर हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इन समस्याओं को विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा माध्यम क्या होती है, ग्राम सभा। यानी बोला जाता है कि लोकतांत्रिक देश जहाँ पर आप अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं, तो वहाँ पर आप केंद्र स्तर पर बैठ के एक छोटे से गांव की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप ग्राम सभाएं इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, जिसके माध्यम से ग्राम स्तर की प्रॉब्लम्स को ग्राम स्तर पर ही सुलझाया जाए। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्थानीय स्वशासन की विशेषता। जनता अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकती है, और जनता अपनी छोटी छोटी समस्याओं को तो खुद हल कर सकती है। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट। इससे केंद्र व राज्य स्तर पर कार्यों के बंटवारे से सरकार का बोझ कम होगा। यानी जब केंद्र और राज्य स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो कार्य का बोझ सब सरकारों पर कम होगा, और केंद्र स्तर की सरकार अपना काम ढंग से कर पाएगी, राज्य स्तर की सरकार अपना काम ढंग से कर पाएगी, और ग्राम पंचायतें अपना काम करेंगी। तो इसके लिए इससे शक्तियों का बंटवारे से क्या होगा, बोझ कम होगा हर स्तर का। ओके, देखिए इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चेतना का विकास होता है। अब इससे क्या होता है, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ती है, उन्हें जानने को मिलता है कि कैसे हम वोट डालें, क्या करें, कौन से हमारे अधिकार हैं, इन सब चीज़ों का मिलता है उन्हें वर्णन। ओके, सत्ता के विकेंद्रीकरण से जन कल्याणकारी कार्यों का आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो सत्ता का जब विभाजन हो जाता है, सत्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो जन कल्याणकारी कार्य करना आसान हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप गांव में देखते होंगे, अभी भी ग्राम सभाएं होती हैं, वहां पे बड़े लोग या फिर जो भी पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं या फिर वो सब मिलकर वहां पे अपनी समस्याओं को कई बार अपने स्तर पर ही सुलझा लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम स्थानीय स्वशासन के जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में प्रस्तावित पारित करके स्थानीय स्वशासन के लिए कई प्रावधान किए थे, जैसे स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए थे। ओके, जिला बोर्डों का गठन किया गया था, सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक सीमित कर दी गई थी। ओके, ये देखिए, इसके बाद में भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया। इन संस्थाओं को अपने विकास कार्य करने की अनुमति दे दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान उन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर सुदृढ़ आएगा, सुदृढ़। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, सुदृढ़। ओके, तो देखिए फिर क्या हुआ, विभिन्न स्तरों में पंचायत का स्तर, पंचायत के क्या स्तर थे, एक स्तरीय पंचायत होती है, केवल ग्राम सभाएं। अब देखिए कौन कौन से राज्य में केवल ग्राम सभाएं हैं, केरल, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ ग्राम पंचायतें हैं, दो स्तरीय ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पुदुचेरी, तीन स्तर पर। अब तीन स्तर की देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात में त्रिस्तरीय है। और देखिए चार स्तरीय कहाँ पे है, यानी कि ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए इम्पोर्टेंट कमेटीज़ कौन कौन सी बनाई गई हैं पंचायती राज को इंडिया में लाने के लिए।
और इसको बहुत ही सरल बनाने के लिए। अब देखिए पहली कौन सी कमेटी आती है, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 से 58 ईस्वी के बीच में आई थी। ओके, भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में बलवंत राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को सौंप दी। इस समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिससे पंचायती राज कहा जाता है। इनकी सिफारिशें क्या थी, अब देखिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी इसने क्या विशेषताएं या फिर कुछ अलग बताया था कि सरकार पंचायत समिति को आसानी से लागू कर सके या फिर हर राज्य में पंचायत समितियों को आसानी से जोड़ा जा सके। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय राज प्रणाली की स्थापना की जाए, यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की जाए। कौन सी त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाए। ये क्या बोलता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाए। अब देखिए ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, अब जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, और तीनों को अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जोड़ना है, लेकिन चुनाव कैसे कराने हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कराने हैं। अब देखिए पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, ओके, पंचायत सबका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। विकास योजना से जुड़े सभी कार्यों को इस संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाए, जो भी विकास से जोड़ने के जो भी कार्य हैं वो इन संस्थाओं को दिए जाएं। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाया जाए, जिला पंचायत को प्रवेश तथा सरकारी निकाय बनाया जाए, जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए, विकास कार्य करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं स्वीकार कर लिया गया। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या हुआ। अब देखिए अब इससे आगे क्या कमेटी बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1915 को हुआ। इस बाद इस प्रणाली को राज्यों में शुरुआत कर दिया गया, यानी कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसकी सिफारिशों पे हमारी पंचायत समिति बनी, जो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में पहला ग्राम पंचायत यानी पंचायत समिति खोली गई। ओके, और देखिए आप फिर आगे किस तरह राज्य में कब हुआ, आंध्र प्रदेश में 1915 को, कर्नाटक तमिलनाडु में 1960 को, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये 50 ओके नेक्स्ट देखिए हम कर्नाटक असम में 1960 को, महाराष्ट्र में 1962 को, गुजरात में 1963 को, पश्चिम बंगाल में 1964 को, सभी राज्यों में पंचायत स्तर भिन्न भिन्न थे, यानी कि यहाँ पे पंचायत समितियों को खोल तो दिया गया लेकिन विभिन्न स्तर थे, यानी कि कहीं पे ग्राम पंचायत, कहीं पे पंचायत समिति और कहीं पर जिला परिषद थी। ओके, तो देखिए आपको मैंने पीछे भी बताया कहाँ कहाँ पर कौन सी है, ये देखिए पीछे मैंने, ये देखिए यहाँ कहाँ पे एक स्तरीय, कहाँ पे दो स्तरीय, कहाँ पे तीन स्तरीय पंचायत समिति है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी, 1977 से 78 के बीच में आई थी। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो असम 1915 लिख दिया गया, आई एम सॉरी यहाँ पे आएगा 1959 में, यानी कि आंध्र प्रदेश में भी तभी शुरू हो गई थी जब राजस्थान में हुई थी। ओके, अब देखिए अशोक मेहता समिति 1977 से 78 ईस्वी के बीच में। अब सेकंड कौन सी बनाई गई है, पंचायत समिति, पंचायत से रिलेटेड समिति कौन सी बनाई गई है, अशोक मेहता समिति, कब बनाई गई थी, 1977 से 78 ईस्वी में। अब देखिए अब है आई है अशोक मेहता समिति, जो कि बनाई गई है संस्था पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में, पंचायत राज के संबंध में यहाँ आएगा 1977। ओके, ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया,
अब पहले तो किया था कांग्रेस ने, अब कौन आ गया, अब जनता पार्टी आई है 1977 में, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम करते हैं। ओके तो ये देखिए क्या किया गया है इसमें। फिर जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 ईस्वी में सरकार को सौंप, अब देखिए इसकी सिफारिशें क्या थी। ओके त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाए, 1502,000 की जनसंख्या पर एक मंडल का गठन किया जाए, यानी कि ये चाहते थे कि तीन स्तरीय रहने दीजिए, दो स्तरीय प्रणाली को अपनाइए और 15,000 और 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायतों का गठन कीजिए किया जाए। ओके अब देखिए तथा ग्राम पंचायतों को समाप्त किया जाए, जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर माना जाए, पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कि पंचायती राज में जो भी चुनाव हो राजनीतिक दल के आधार पे हो, और यहाँ पे ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया जाए और जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण किया जाए। ओके अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाए तथा जिला परिषद एक कार्य को करने की शक्ति हो जिसमें वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए, जिला की एजेंसी से पंचायतों के लेखों की क्षमता होनी चाहिए। ओके न्याय पंचायतों को पंचायत से अलग रखा जाए जिसमें प्रमुख न्यायाधीश हो, राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे, अगर करे तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाए। अब देखिए कि उन्होंने क्या बोला है कि जिला स्तर पर एक जवाबदेही देने के लिए जिला परिषद कार्य करने की शक्ति हो जिसमें वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए, यानी जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ कार्य किया जाए। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जिला की एजेंसी से पंचायतों के लेखों की क्षमता होनी चाहिए। ओके न्याय पंचायतों को पंचायत से अलग रखा जाए, अब जो न्याय पंचायतें बनाई जाएंगी यानी कि अलग न्याय पंचायतें बनाई जाए और पंचायतें अलग से बनाई जाए, अब वो कहते हैं न्याय पंचायतों को अलग रखा जाए सब चीज़ों से जिसमें प्रमुख न्यायाधीश हो, राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे, जो राज्य हैं वो पंचायतों का अतिक्रमण ना करें यानी कि उन्हें हटाएं नहीं, अगर बाई चांस किसी तरीके से वो जो उन्होंने लोगों ने जिस व्यक्ति को चुन के लाया है अगर उसमें अगर उसके प्रति कोई भी जैसे कोई अविश्वास संगठित अविश्वास आ जाता है सरकार के मन में तो राज्य उसका पंचायतों का अतिक्रमण ना करे बल्कि उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवा के नए बंदे को वहाँ पे लेके आए। ओके अब देखिए भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना चाहिए, विकास के कार्य जिला परिषद को दिए जाए, राज्य में पंचायत राज्य मंत्रालय का गठन किया जाए, एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या की सीटों पर आरक्षण दिया जाए। अब क्या बोलता है कि अब कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त है जो भारत का, अब यहाँ पे वो तो कराएगा सबके चुनाव, वो तो केंद्र स्तर पर कराएगा, अब राज्य स्तर पर जो चुनाव आयुक्त है ये कराएगा पंचायत समितियों के चुनाव, इसने ये बोला था। ओके तो अगर आपसे पेपर में कई बार ये पूछा जाएगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना है, ये राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव करवाना है पंचायत समिति का, ये किस समिति में बोला गया था, तो किस समिति में बोला गया था, ये अशोक मेहता समिति में। ओके अब नेक्स्ट देखिए, एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाए। अब क्या बोला है, अब बोला कि एक पंचायत मंत्री की मंत्री भी बनाया जाए, जैसे प्रधान होता है ना आजकल तो प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर एक मंत्री की नियुक्ति की जाए, अनुसूचित जाति और जो भी अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले ही कर दी जाए, ये बोला है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है राव आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा राव। ओके जी वी के राव समिति जो कि 1985 से 68 ईस्वी में आई थी, इसकी सिफारिशें क्या थी,
इसकी सिफारिशें निम्नलिखित है, विकास कार्यक्रमों का पूर्व एक्शन नियोजन कार्य वैन जिला या उसके निचले स्तर की पंचायत संस्थाओं द्वारा किया जाए। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, जिला परिषद को सशक्त भूमिका होनी चाहिए, यानी कि जो भी शक्तियाँ बांटी जाएँ उनमें जिला परिषद की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, पहले नंबर पे जिला परिषद की भूमिका आनी चाहिए। जिला विकास आयुक्तों के पद का सृजन किया जाए, उसे जिले का विकास कार्यों का प्रभारी बनाया जाए, यानी कि इस समिति में कुल मिला के बोला जाए तो उन्होंने जिला परिषद को ज़्यादा महत्व दिया है। आप इस बस इतना सा लर्न रखिएगा कि जीवी के राव समिति में जिला परिषद को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब जी आ गया ना आगे, तो इससे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं कनेक्ट करके कि जी से जिला परिषद। ओके, ये जिला परिषद के ऊपर ज़्यादा बोला इन्होंने। अब देखिए फोर्थ लाइन क्या बोलते हैं, जीवी के राव समिति की सिफारिशें, दांतेवाड़ा समिति 1978 में आई थी जो कि ब्लॉक नियोजन से संबंधित थी। अब हमें पेपर में ये भी पूछा जा सकता है दांतेवाड़ा समिति किससे रिलेटेड थी, तो दांतेवाड़ा समिति रिलेटेड थी ब्लॉक नियोजन से, किससे रिलेटेड थी ब्लॉक नियोजन से संबंधित थी। तथा 1984 ईस्वी में जिला स्तर के नियोजन से संबंधित हनुमंत राव समिति की रिपोर्ट से भिन्न है। जो भी ब्लॉक समिति है दांतेवाला की, वो जो हनुमंत राव समिति है 1984 ईस्वी की, उससे अलग है, दोनों की समितियाँ अलग हैं। अतः दांतेवाड़ा और हनुमंत राय समिति ने सिफारिश की कि विकेंद्रीकरण नियोजन के कार्यों को जिला स्तर पर ही किया जाए, तथा हनुमंत राय समिति ने मंत्री या जिला कलेक्टर के अधीन जिला नियोजन संगठन की सिफारिश की है। यानी कि इन दोनों ने ही बोला है कि जिला स्तर पर ही ज़्यादातर शक्तियों को बांट दिया जाए, और उसके बाद हनुमंत राव समिति ने यह भी बोला है कि मंत्री या जिला कलेक्टर के अधीन जिला नियोजन संगठन की सिफारिश की है। जो जिले का नियोजन करना है उसके लिए जिला कलेक्टर हो या फिर कोई मंत्री हो जो जिला स्तर पर सभी चीज़ों को देख रेख हो सके। जिससे अब जिला कलेक्टर की भूमिका को आवश्यक माना गया है, तथा पंचायतों को भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जिला कलेक्टर को बनाया जाए और पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जाए। अब देखिए, अब यहीं तक नहीं, इसके बाद भी एक और समिति आई है, एलएम सिंघवी समिति 1986। अब देखिए, अब राजीव गांधी सरकार आई है तो उन्होंने भी किया, राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइलाइजेशन पंचायत तथा इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ओके, तो ये शुरू किया उन्होंने। एलएम सिंघवी नवी की अध्यक्षता में सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश सरकार को सौंपी, अपनी जो भी सिफारिशें थी वो इसने सरकार को सौंप दी। पंचायत राज संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अब जो एलएम सिंघवी कमेटी है, इसने क्या बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनका, और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय जोड़ा जाए, तथा इन संस्थाओं को नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत का गठन किया जाए, पंचायतों के लिए कई नाम का पुनर्गठन किया जाए, पंचायत को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए, पंचायतों से जुड़े मामले को हल करने के लिए राज्य में न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पीके थुंगन समिति। अब पीके थुंगन समिति में क्या है, इस समिति का गठन 1989 में ईस्वी में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की कोशिश की है, तो एलएम सिंघवी ने बोला है और पीके थुंगन समिति ने बोला है, ओके। अब देखिए संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है इस पंचायती राज का। अब देखिए यहाँ पे संविधान आएगा, संशोधन बनाएगा, ओके। देखिए संवैधानिक विकास 1992 में नई सरकार के गठबंधन के बाद संस्थाओं को पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रयास किया गया, और 1992 ईस्वी में इस पर एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 में
तथा राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को मंजूरी मिली और बाद में 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को अपनी सहमति दे दी गई। अधिनियम बनाने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायतों के गठन की प्रक्रिया आरंभ की गई। ओके, अब देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में प्रबंध किया गया। तो किसमें है? पंचायत समिति भाग 9 में है। ओके, रखा गया पंचायत के लिए आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक कई प्रावधान किए गए तथा इनको सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायतों से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद नीति निषेध तत्वों के आर्टिकल को व्यावहारिक रूप मिल पाया है जिसमें गांधी जी के ग्राम स्वराज को पूर्ण रूप मिला जो कि नीति निषेध सिद्धांत आर्टिकल 40 में दिया गया। यानी गांधी जी का स्वप्न था कि वो ग्राम स्वराज को पूर्ण तरीके से इंडिया में लागू कर सके। ओके, तो ये उनके स्वप्न को अच्छी तरीके से पूर्ण करने का एक मार्ग बना है जो कि है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रख करना है 73वां संविधान संशोधन 1992 आर्टिकल 243 से 243 ओ भाग 9 तक ये दिया गया है। ओके, और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ओके, ये तो नहीं पूछते हैं ज़्यादातर कि लोकसभा में कब हुआ या फिर राज्यसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए। ये आप को जो डीपली पेपर्स होते हैं ना, यानी कि जैसे नेट हो गया, टीचर्स लेट पेपर्स हो गए, तो उनमें होप सो पूछा जा सकता है। ओके, तो आप बस इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आज तक बस, आज बस यहीं तक है। तो कल हम देखेंगे इसको, इसके आर्टिकल्स देखेंगे कल हम। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तभी मैं इतनी अच्छी अच्छी और वीडियो लेके आ पाऊँगी आपके सामने। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।